हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं काउंटर्स। तो काउंटर्स आपका भाई इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अगर मैं काउंटर की बात करूँ तो काउंटर को क्या बोलते हैं राजी? काउंटर हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखिए, अ काउंटर इज यूज्ड टू काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑपरेशन। ओके, तो पल्स के अगर मैं बात करूं तो लिखिए, सॉरी, अगर मैं काउंटर की बात करूं, अ काउंटर कंसिस्ट विद एन फ्लिप फ्लॉप कैन काउंट टू की पावर एन इलेक्ट्रिकल पल्स। जितनी उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप होगी उसकी दो की पावर एन क्या होगी राजी? उसकी वो उतनी इलेक्ट्रिकल पल्स काउंट कर सकती है, ठीक है। सो अगर मैं मैक्सिमम मॉड की बात करूं, ठीक है, एग्जाम के अंदर ये मॉडुलस कैलकुलेट करने को आ जाता है भाई। मॉडुलस और मॉड भी बोल देते हैं शॉर्ट में इसको, ठीक है। मॉड ऑफ काउंटर इज टू की पावर एन, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके पास जो मॉड आपके किसी भी काउंटर का हो सकता है, दैट इज टू की पावर एन, ठीक है। तो जो आपका काउंटर होता है राजे, दैट इज द कॉम्बिनेशनल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। एक से ज्यादा इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप रहती हैं, ठीक है। ओके जी, तो काउंटर आपका भाई इलेक्ट्रिकल पल्सेस को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो काउंटर मेनली आपके पास दो टाइप का होता है राजे। अगर मैं टाइप्स ऑफ काउंटर की बात करूं तो काउंटर मेनली आपके पास दो टाइप का होगा। एक तो होगा सिंक्रोनस काउंटर, एक आपके पास होता है रिपल और एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। तो ये मेनली आपके पास काउंटर होते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो सिंक्रोनस काउंटर होता है इसमें जो क्लॉक पल्स होती है वो आपकी क्या होती है राजी? हाँ जी बोलो। वो आपकी सभी फ्लिप फ्लॉप को एक टाइम पे ट्रिगर करने के लिए यूज करते हैं। कॉमन आपके पास क्या होती है? हाँ जी बोलो, टाइम पल्स होती है। वेरी गुड। जो आपके पास एसिंक्रोनस काउंटर होता है इसमें हम एक साथ ट्रिगर सभी को नहीं करते, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। तो लिखिए सिंक्रोनस काउंटर के बारे में थोड़ा सा, फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे राजी। सिंक्रोनस काउंटर, तो लिखिए थोड़ा सा इसके अंदर, इसके बारे में लिख लो भाई। इट इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल काउंटर, ठीक है, इन विच ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर ट्रिगर्ड एट ए सेम टाइम, ठीक है। एक टाइम पे सभी फ्लिप फ्लॉप को हम ट्रिगर करते हैं, ठीक है। सो द, इसका दूसरा पॉइंट बना लिए, द टाइम पीरियड ऑफ द सर्किट टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज गिवन एज, ठीक है। जे कई बार कैलकुलेट करने को भी आ सकता है, ठीक है। टाइम क्या होगा? तो आपको पता है हर एक फ्लिप फ्लॉप को हम सेम टाइम पे ट्रिगर करेंगे, इसका मतलब जे T1 T2 दैट इज द ट्रिगरिंग टाइम ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकेंड, थर्ड, अप टू जितनी भी लगी हो सकती है, प्लस हर एक फ्लिप फ्लॉप का आपका प्रोपागेशन डिले भी होगा भाई। प्रोपागेशन डिले का मतलब क्या है? मान लीजिए अभी आपने इनपुट दिया, ठीक है, तो आपका रिस्पांस कितनी देर के बाद मिलेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट।
ओके हुआ, तो एक टाइम पे ट्रिगर करेंगे तो सभी फ्लिप फ्लॉप का जिस भी फ्लिप फ्लॉप का मैक्सिमम टाइम होगा राजे वो टाइम एक कंसिडर कर लेंगे, प्लस उसके अंदर प्रोपागेशन डिले कितना है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, ठीक है। तो ये आपके पास सिंक्रोनस काउंटर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन और इसकी पहचान क्या होगी राजे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है आपके लिए, फाइंड द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ द सर्किट। सर्किट कौन सा राजे वो भी दे देते हैं। मान लीजिए जी मेरे पास एक सर्किट है, जे मैं जे के फ्लिप फ्लॉप से बना रहा हूं भाई, जे ए के ए, जे फर्स्ट फ्लिप ए फ्लिप फ्लॉप है, तो ये इसका आउटपुट है क्यू ए, ठीक है। और ये मेरे पास दूसरी फ्लिप फ्लॉप है राजे, मान लीजिए दो फ्लिप फ्लॉप से यहाँ पे बना हुआ है, जे बी के बी, दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर बी, ठीक है। और ये आउटपुट आपके पास आ रही है क्यू बी, ठीक है जी। तो आपने जे और के ऊपर क्या दे रखा है राजे, यहाँ पे भी वन दे रखा है और नीचे भी वन दे रखा है, ठीक है। और ये जो आपके पास क्लॉक है राजे, ये आपने बाहर से क्लॉक दे रखा है, ठीक है, दैट इज योर क्लॉक। क्लॉक की भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती है, आप पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हो राजे, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन रहेगा कौन एलएसवी है कौन एमएसवी है। जनरली जिसके ऊपर हम क्लॉक बाहर से देते हैं वो आपका एलएसवी होता है, ठीक है जी। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि क्यू का जो नेक्स्ट स्टेट होगा राजे वो क्या होगा, ठीक है। जे क्यू ए है ना, तो इसका नेक्स्ट स्टेट का मतलब क्या है, क्यू ए हाँ जी एन प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट इसका क्या होगा, आप ऑलरेडी जानते हो भाई, जे ए इंटू क्यू ए का बार प्लस के ए का बार इंटू क्यू ऑफ एन, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट स्टेट का आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप, ओके। ऐसे ही जे बी वाली का क्या लिखेंगे भाई, क्यू बी एन प्लस वन इक्वल टू जे बी क्यू बी बार प्लस के बी बार इंटू क्यू बी एन, ओके हुआ। तो यहाँ पे क्यू ए एन लिखेंगे, ठीक है जी। ऐसे ही अब आपकी सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसका आप नेक्स्ट स्टेट का फॉर्मूला लिख लोगे भाई, जे बी इंटू क्यू बी बार प्लस के बी बार इंटू क्यू बी एन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे राजे, ठीक है। जैसे आपके पास जे ए के ऊपर वन है, के ए के ऊपर भी वन है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसके लिए देखूं क्यू ए का जो नेक्स्ट स्टेट आएगा राजे वो क्या होगा, जे की वैल्यू वन है इंटू क्यू ए की बार प्लस के की वैल्यू वन है इंटू क्यू बी एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू ए का बार प्लस जे वन का मॉड वन का आपके पास बार क्या हो जाएगा राजे, जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो इंटू समथिंग जीरो। इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेट होगी मेरे पास किसकी, क्यू ए एन की, वो क्या होगी, जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। और आप आगे देखिए, जे ही मेरे पास किसको मिल रही है भाई, जे बी को मिल रही है, ठीक है, सेम मिल रही है ना जे बी को, बोलो जी, बिल्कुल मिल रही है सर, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर भाई जे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जे ऐसे आपके पास आया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जे हुआ राजे कि यहाँ पे जो मेरे पास मिलेगा दैट इज क्यू ए का बार, ठीक है। इसका मतलब जे बी की वैल्यू कितनी है, क्यू बी एन प्लस वन की अगर मैं बात करूं दैट इज इक्वल टू जे बी क्यू बी का बार प्लस के बी का बार इंटू क्यू बी एन, ठीक है। तो जे बी की वैल्यू कितनी है, क्यू ए एन सॉरी क्यू ए बार, और के वी की वैल्यू कितनी है राजे, वो भी क्या है, क्यू ए का बार, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, के वी एन प्लस वन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जे वी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो इंटू प्लस क्यू ए बार का बार इंटू क्यू बी ऑफ एन, तो क्या आएगा, क्यू ए का बार क्यू बी का बार प्लस क्यू ए इंटू क्यू बी एन, ठीक है जी। तो जे भाई मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसी बन जाएगी, ठीक है जी, बोलो जी, ओके है, बिल्कुल ओके है सर, वेरी गुड, ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो जाएगा जहां तक, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। और जो आपके पास
लेकिन जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेटर है जी, वो आपके पास जे आई थी है ना, लेकिन एक्चुअल में तो जे क्यू ए ही आपके जेबी और केवी के साथ कनेक्टेड है ना। क्यू ए की बार तो आपके पास क्यू ए की नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है, क्यू ए की नेक्स्ट स्टेट आपके पास आई है, ठीक है, लेकिन हम तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेबी और केवी की वैल्यू क्यू ए है, ठीक है, तो इसका मतलब जे को एज इट इज मीन्स क्यू ए एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे बार के साथ बार कैंसिल नहीं होगा और यहाँ पे बार रहेगा। बोलो जी, ओके हो गया यहां तक, बोलो क्लियर है भाई पॉइंट? हाँ जी, कोई दिक्कत कंफ्यूजन सर? कोई नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो इसकी नेक्स्ट स्टेट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी आएगी राजे, जल्दी से बताओ। बोलो जी, ये सेम ही चीज है राजे, एन के साथ, ठीक है, ऐसे मत सोच लेना उसके साथ एन नहीं लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे सभी के साथ एन लगेगा, ठीक है, क्लियर अभी पॉइंट? तो एन बेसिकली आपका स्टेट करेगा आपकी प्रेजेंट स्टेट को, ठीक है, एन प्लस वन होती है नेक्स्ट स्टेट, राइट। चलिए, तो इसका मतलब आपके पास, इसको भाई सबसे पहले करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, इसका मतलब ये हुआ, ये आपके पास क्या आ रहा है, क्यू ए एन एक्सोर क्यू बी, दोनों का एक्सोर हो जाएगा क्यू बी एन का, ठीक है, तो क्यू बी एन प्लस वन मेरी नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों मैंने इक्वेशन यहाँ पे देख ली है भाई, ठीक है, तो दोनों का हम यूज करेंगे राजे, दोनों का यूज करके हम निकालेंगे आपकी वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यूज या प्रेजेंट स्टेट बोलेंगे, फिर हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेट के अंदर एमएसबी किसको बोला आपने, बी वाले को, इसका मतलब सबसे पहले क्यू बी आएगा, फिर क्यू ए आएगा, ठीक है, चाहे एन के साथ लिख दो, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, क्यू बी एन प्लस वन, क्यू बी एन प्लस वन, ठीक है, इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है आपके पास उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, राइट। बोलो जी, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, वेरी गुड। इस वाले पॉइंट को आप रहने दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम अगर इनिशियली मान के चलें कि क्यू बी भी जीरो है और क्यू ए भी मेरे पास जीरो है, ठीक है, इनिशियल स्टेट आपकी मान लीजिए जीरो जीरो है, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इनिशियल स्टेट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, क्यू ए की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, जस्ट क्यू ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर यहाँ पे जीरो है तो क्यू ए पे कितना हो जाएगा राजे, वन हो जाएगा, ठीक है। और क्यू बी एन प्लस वन, ये क्या है, क्यू ए और क्यू बी एन का जो प्रेजेंट स्टेट है उसका क्या कर देना राजे, एग्जोर कर देना है, ठीक है। जीरो जीरो का एग्जोर कितना होता है, बोलो जल्दी से, जीरो, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है, अब ये प्रेजेंट स्टेट बन जाएगी, बोलो, बिल्कुल सर, जीरो वन, क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टेट पे जैसे ही हम पहुंचेंगे वो मेरी प्रेजेंट स्टेट बन जाएगी, ठीक है। उसके लिए फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, ए के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी उसका यहाँ पे कंप्लीमेंट करके लिख देना है, ठीक है, वन है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों का एग्जोर करना है, ठीक है। जीरो वन का एग्जोर कितना होगा, वन, तो वन जीरो आपके पास आ गया, वन जीरो आपकी थर्ड, देखो हमने सबसे पहले फर्स्ट पल्स दिया तो मेरे पास आउटपुट जे मिला, ठीक है। फिर जैसे ही मैं सेकंड पल्स दूंगा उस केस में ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैं थर्ड पल्स दूंगा तो इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अभी आपने सेकंड पल्स में नेक्स्ट स्टेट निकाली है वो थर्ड पल्स की क्या बन जाएगी राजे, प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। तो वन जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है ना, तो क्यू ए की जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो क्यू ए एन का कॉम्प्लीमेंट होती है, तो जीरो का वन हो जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों का एग्जोर करना है, ठीक है, जीरो वन जीरो का एग्जोर वन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जब मैं एक पल्स और दूंगा तो जो थर्ड पल्स की जो वेव है, ये फर्स्ट पल्स सेकंड पल्स, ठीक है, जैसे थर्ड, तो थर्ड पल्स की जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो फोर्थ की प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वन है तो वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, वन वन पे क्या हो जाएगा, एग्जोर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे जीरो जीरो था, अब फिर मेरे पास जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है। जब मैं फिफ्थ पल्स दूंगा तो मेरे पास इसकी जो स्टेट होगी राजे वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम जीरो जीरो से चले, जीरो जीरो के बाद मैंने पहली पल्स दी तो जीरो वन आ गया, जीरो वन आ गया, फिर मैंने दूसरी पल्स दिया तो कितना मिला, वन जीरो मिला, फिर मैंने थर्ड पल्स दिया तो कितना मिला,
वन वन मिला, और चौथी पल्स पे फिर मेरे पास क्या आ गया, जीरो जीरो। तो ये जो मेरा साइकिल है राजे वो चलता ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब, इसका अगर मैं मॉड की बात करूं तो सो इसका मॉड कितना होगा राजे, दैट इज इक्वल टू फोर, ठीक है। मॉड दैट इज इक्वल टू फोर, ठीक है। मॉड इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स काउंटेड बाय द, बोलो बोलो, काउंटर। क्लियर हुई बात, ठीक है जी। तो यहाँ पे भाई इस टाइप के भाई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने हर एक फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट की कंडीशन निकाल लेनी है, फिर वहां से आपने टेबल एक बना लेना है, ठीक है जी। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में जो गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ऐसा मैं इसी के अंदर ऐड कर रहा हूं, ठीक है। इन द अबव क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस टाइप का पूछा जाएगा, इफ द इनिशियल स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज 1 0, ठीक है। मान लीजिए इनिशियल स्टेट 1 0 है, देन डिटरमाइंड द स्टेट आफ्टर 237 पल्स, ठीक है। जे ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है। चलिए तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं ना जी। तो सबसे पहले आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज आएंगी, प्रेजेंट स्टेट, फिर मेरे पास बनेगा नेक्स्ट स्टेट के लिए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट। ओके, तो यहाँ पे क्यू वी एन, और यहाँ पे क्यू ए एन, यहाँ पे क्यू बी एन प्लस वन, क्यू बी सॉरी क्यू ए एन प्लस वन, राइट। तो यही चीज बनेगी, इसके अलावा कुछ और तो नहीं बनेगा भाई, बोलो। नहीं बनेगा सर, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको वैल्यूज तो याद है ना, तो इनिशियल स्टेट अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर मेंशन आ रहा जी, ठीक है। कितना मेंशन है, इनिशियल स्टेट आपने चलना है 1 0 को लेके, ये 1 और 0 है, ठीक है। तो मैंने पहली पल्स दी, फर्स्ट पल्स दिया, तो आपके पास फॉर्मूला क्या निकला था, क्यू ए की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, क्यू ए का कंप्लीमेंट 0 है तो क्या हो जाएगा, 1, और क्यू बी की नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी राजे, दोनों का एग्जॉर, ठीक है। ये जो प्रेजेंट स्टेट है क्यू ए और क्यू बी एन का, इसका एग्जॉर कर दो, 1 0 का एग्जॉर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जब मेरे पास सेकंड पल्स मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे फर्स्ट पल्स, यहाँ पे सेकंड पल्स जब दूंगा, तो फर्स्ट पल्स की जो नेक्स्ट स्टेट है वो सेकंड के लिए प्रेजेंट बन जाएगी, ठीक है। तो क्यू ए की नेक्स्ट स्टेट 1 का कंप्लीमेंट 0, 1 1 का एग्जॉर 0, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं थर्ड पल्स दूंगा, तो सेकंड पल्स का जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट बन जाएगा थर्ड का, ठीक है, 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और क्यू ए क्या हो जाएगा राजे, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 0 0 का एग्जोर 0, ठीक है। तो जब मैं फोर्थ पल्स दूंगा तो ये प्रेजेंट स्टेट क्या हो जाएगा, 0 1, ठीक है। जस्ट ये चीज आपकी इधर आ जाए करेगी, ठीक है, समझे मेरी बात। चलिए तो 1 आ गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 0, और 1 का, 1 और 0 का जो एग्जोर होगा राजे वो कितना आ जाएगा, 1 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई आफ्टर फोर पल्स आपके पास सेम 1 0 1 0 से ही चले थे, ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले 1 0 से चला था, मैंने फर्स्ट पल्स दिया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया राजे, 1 1, फिर मैंने सेकंड पल्स दिया तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, हाँ जी 1 1 के बाद कितना आंसर आया, 0 0, फिर मैंने थर्ड पल्स दिया राजे, थर्ड पल्स के लिए मेरे पास आंसर 0 1 आ गया, और जैसे ही मैंने फोर्थ पल्स दिया तो वापस उसी स्टेट पे मेरा आंसर पहुंच गया, ठीक है। तो मॉड तो 4 हो गया, लेकिन आपने निकालना था कि स्टेट क्या होगी आफ्टर 237 पल्स, ठीक है। जैसे अभी आपने 4 पल्स तक किसको देख लिया था, फिफ्थ के बाद क्या होगा, सिक्स्थ के बाद क्या होगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर तो हो गया कि चौथी पल्स के बाद आपके पास स्टेटमेंट कितनी आएगी राजी, 1 0, इसका मतलब 237 है, 237 को 4 से डिवाइड कर लो, देखो कितना बच रहा है, ठीक है, हाँ जी। तो 5 पे जाएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, 37, तो 9 पे जाएगा दैट इज 36, तो बचेगा कितना, 1, ठीक है। तो 59 इंटू 4 कर लो तो कितना बचेगा, 36,
ट्वेंटी और 236, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 236 पल्स तक आपके पास क्या रहा होगा राजी, यही रहा होगा, क्योंकि चार बाद आपके पास 10 आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं आपके पास ये चार के बाद 10 आ गया, पांचवी के बाद ये, छठवीं के बाद फिर ये, सातवीं के बाद फिर ये, आठवीं के बाद फिर 10, ठीक है। इसका मतलब 237वीं पूछी थी आपसे, तो 236 तक तो ये आया, तो 37 पे 11 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब तो आपकी जो स्टेट होगी आफ्टर 237 पल्स दैट इज इक्वल टू 11, ओके हुआ, क्योंकि एक रिमाइंडर बचा था, उसके बाद सिर्फ आप एक मूव करिए और वो देखिए आपके पास आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट आफ्टर द 237 पल्स दैट इज इक्वल टू दिस, ओके हो गया भाई, बोलो जी, क्लियर है जी पॉइंट, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए ऐसे ही बस हम क्वेश्चन देखते जाएंगे भाई। तो नेक्स्ट आपने बस मॉडुलस ही कैलकुलेट करना है, जे मैं और फ्लिप फ्लॉप दे रहा हूं, ठीक है। तो क्लॉक आपने यहाँ पे कॉमन दे दिया है, बस इसकी पहचान जे ही है राजे, ठीक है। क्लॉक ये क्यू ए है, के वी है, ठीक है, और ये मेरे पास क्यू बी है, ठीक है। और हमने क्या किया, दोनों को 1 1 दे दिया भाई, ये भी 1 दे दिया और इधर भी आपने 1 दे दिया, ठीक है। ये आपके पास एम एस वी है, ये आपके पास एल एस वी है, ठीक है जी, क्लियर। मॉड आपने कैलकुलेट करना है, मॉड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए तो अब हम नेक्स्ट स्टेट के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, बोलो। तो क्यू ए एन प्लस 1 की जो वैल्यू होगी राजे वो क्या होगी, जल्दी बताओ। जे ए क्यू ए का बार प्लस के ए का बार इंटू क्यू ए, क्लियर है भाई पॉइंट, बोलो, ओके है। तो जे की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो क्यू ए का बार आ जाएगा, के की वैल्यू 1 है तो 1 का बार कितना हो जाएगा राजे, 0। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेट आपके पास जे ही आ जाएगी, ठीक है जी। ऐसे ही क्यू बी एन प्लस 1, तो सेम 1 1 दे रखा है, तो इसका भी सेम ही आंसर आ जाएगा राजे, क्यू बी का बार, ठीक है। तो जे आपके पास नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी राजे, ठीक है। दोनों आपके बार के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्यू ए का बार आएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम इसकी वजह से हम बना लेंगे इसका भाई टेबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्टेट, राइट। चलिए तो आपके पास एम एस बी क्यू बी है, जे क्यू ए हो जाएगा, तो क्यू बी का एन प्लस 1, क्यू ए का एन प्लस 1, ठीक है। इसके साथ एन का मतलब होता है प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, तो सभी के साथ एन लग जाएगा, राइट। तो मान लीजिए इनिशियली आपके पास जो स्टेट गिवन है राजे वो 0 0 गिवन है, जैसे ही मैंने पहला पल्स दिया तो क्यू ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, क्यू बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब सेकंड पल्स के लिए मेरे पास 1 1 प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वही कुछ नहीं करना, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है ना, मींस अपोजिट करना है, 1 1 आ गया तो 1 का 0 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने थर्ड पल्स दिया तो 0 0 आ जाएगा, मींस 1 1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 0 आया, मैंने एक पल्स दिया तो कितना बना भाई, वो 1 1 बचा, ठीक है। ऐसे ही मैंने जब दूसरी पल्स दी तो वापस वही बन गया, ठीक है। इसका मतलब इसका जो मॉड होगा राजे वो कितना होगा, 2 होगा, बोलो जी, सिंपल है भाई, हाँ जी, ठीक है जी, ओके ओके, हाँ जी, क्लियर है, बड़े आगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखिए भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन बस लिखते जाइए, ठीक है, और बस देखते जाइए कि मॉड आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपका सिंक्रोनस काउंटर है राजे, सिंक्रोनस काउंटर की मैं पहचान बतानी भूल गया था भाई, देखिए कैसे, जैसे ये सिंक्रोनस काउंटर है ना, तो आपके जो ये क्लॉक का सिग्नल है राजे वो क्या है, सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। एक टाइम पे आपने सिग्नल दिया, सभी को एक टाइम पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए भाई, जो आपका क्लॉक है वो दोनों फ्लिप फ्लॉप को एक साथ मिल रहा है, ठीक है। जब हम वहां पे करेंगे ना, कहाँ पे एसिंक्रोनस काउंटर करेंगे, उसके अंदर आप देख सकते हो,
कि आपकी जो क्लॉक पल्स है वो एक साथ सभी को ट्रिगर नहीं करेगी, ठीक है जी। दैट इज द पहचान ऑफ योर काउंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। तो दो मेरे पास यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप मैंने लिए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जे जे जीरो है, जे के जीरो है, ठीक है। जे आपकी चली गई जे वन को, के वन को, और जे क्यू जीरो है और यहाँ पे क्यू वन है, ठीक है। और जे जीरो जो है वो आपका इस टाइप से सपोज जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्यू वन, ठीक है। और जो के वन है इसको आपने वन दे दिया, और के नॉट को भी क्या कर दिया, वन दे दिया, ठीक है। और इधर से आपने क्या कर दिया, क्लॉक प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है जी। तो जे फ्लिप फ्लॉप ए है, जे फ्लिप फ्लॉप बी है, ठीक है जी। क्लियर है भाई पॉइंट, बोलो। बिल्कुल ओके है सर। और इसको आपने बोल दिया एम एस वी है, इसको आपने बोल दिया एल एस बी है, ठीक है। तो आपने इसका मॉड कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए, तो मॉड कैलकुलेट करने से पहले हम दोनों फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट निकालेंगे। तो क्यू ए, आप ऐसे बोल सकते हो क्यू ए की जो नेक्स्ट स्टेट है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो क्यू ए की जगह पे क्यू नॉट यूज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्यू नॉट और क्यू वन की फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, ठीक है। क्यू नॉट की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, जे के फ्लिप फ्लॉप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे नॉट इंटू क्यू नॉट का बार प्लस के नॉट का बार इंटू क्यू नॉट, ठीक है। तो यही बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा सर। तो जो J नॉट की वैल्यू है राजे, आप देख सकते हैं इधर से क्या आ रही है, Q1 का बार जा रहा है ना, तो Q1 का बार इंटू Q0 का बार प्लस K0 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू Q0, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहली फ्लिप फ्लॉप है उसका जो नेक्स्ट स्टेट आएगा राजे, Q1 का बार इंटू Q0 का बार, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इसकी हेल्प से ही हम टेबल बनाएंगे राजे, ठीक है। नेक्स्ट, Q1 का नेक्स्ट स्टेट जो क्या होगा राजे, दैट इज J1 इंटू Q1 का बार प्लस K1 का बार इंटू Q1, ठीक है। तो J1 की वैल्यू देखो कितनी है, J1 की वैल्यू Q0 है इंटू Q1 का बार प्लस K1 की वैल्यू कितनी है, 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा भाई, तो इसका मतलब आंसर 0 आ जाएगा। तो सिंपल क्या बचेगा, Q0 इंटू Q1 का बार, दैट इज Q1 n प्लस 1, ठीक है जी। ओके है भाई, बोलो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई फटाफट। हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब बस इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज करके हम बना लेंगे टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट स्टेट, यहां पे हम लिख देंगे नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो एम एस बी क्यू जीरो है, यहां पे क्यू वन आ जाएगा, क्यू जीरो एन प्लस वन, क्यू वन एन प्लस वन, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट मान लीजिए क्या है, जीरो और जीरो है, ठीक है। जैसे ही मैंने फर्स्ट पल्स दिया तो देखिए भाई दोनों जीरो जीरो है, क्यू वन की जीरो का बार वन इंटू क्यू जीरो की वैल्यू जीरो है, जीरो का बार वन, ठीक है, वन इंटू वन वन, ये क्या आ गया, क्यू नॉट का नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। और जो आपके पास जे है क्यू वन का नेक्स्ट स्टेट, क्यू जीरो की वैल्यू जीरो है, जीरो इंटू क्यू वन, जीरो का कंप्लीमेंट वन, जीरो इंटू वन जीरो, ठीक है। ये फर्स्ट पल्स के लिए थी, जैसे ही मैंने सेकंड क्लॉक पल्स दिया यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट के लिए, सॉरी जो सेकंड पल्स है उसके लिए नेक्स्ट स्टेट जो आपके पास फर्स्ट पे आया था वो सेकंड के लिए प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा भाई, तो दोनों का बार करिए, तो Q1 का बार 1 हो जाएगा, Q0 का बार 0 हो जाएगा, 1 इंटू दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये देखो तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही आपने क्या करना है, Q0 एज इट इज, Q0 एज इट इज मींस 1 एज इट इज, Q0 का बार 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्लॉक पल्स के लिए जो नेक्स्ट स्टेट होगी सेकंड की वो प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है जी। तो दोनों का वार करोगे तो एक जीरो बचेगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, Q0 एज इट इज जीरो इंटू क्यू वन का वार जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो,
ठीक है, तो इसका मतलब तीन क्लॉक पल्स के बाद आपके पास जीरो जीरो से चले थे, जीरो जीरो फिर आ गया, ठीक है। इसका मतलब जीरो जीरो से गया, पहली पल्स दी 1 0 आ जाएगा, सेकंड पल्स दी तो 0 1 आ गया, ठीक है, तो थर्ड पल्स दी तो वापस आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मॉड कितना हो गया राजी, 3 हो गया, ठीक हुआ भाई। बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए फटाफट, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, वेरी गुड, ठीक है। तो बढ़े आगे फिर, बिल्कुल सर, चलिए। तो नेक्स्ट वही आपके पास एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मैं डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से आपका यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है जी। यहाँ पे डी नॉट इंटू क्यू नॉट है, ये दूसरी फ्लिप फ्लॉप है, मान लीजिए यहाँ पे D1 और Q1 है, ठीक है, और आपने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक यहां पे दे दिया है राजी, ठीक है। और आपने क्या किया, यहां पे एक और यहां से एक उठाया और आपने एग्जोर गेट यहां पे लगा दिया है राजी, ठीक है, सॉरी नॉर गेट लगाया है, एग्जनोर नहीं लगाया है, और उसकी इनपुट आपने डी नॉट पे लगा दी है, ठीक है। तो ये आपने क्लॉक ऐसे करके सर्किट बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपने सीक्वेंस काउंटर स्टेट फ्रॉम सर्किट शोन फॉलो द ऑर्डर, ठीक है, किस ऑर्डर को फॉलो करेगा वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। या ऐसे बोल दो कि मॉड आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। बोलो क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है सर। तो जिस साइड आपके पास क्लॉक है, अगर मान लीजिए MSB LSB नहीं गिवन, जिस साइड से क्लॉक प्रोवाइड किया गया हो, जिससे पहले प्रोवाइड किया गया हो, उसको हम क्या लेके चलेंगे राजी, वैसे तो LSB लेके चलते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा करिए, मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, मान लीजिए MSB है, ये क्या है, LSB है, ठीक है जी। बढ़िया आगे, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम डी फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं बात करूं, तो डी फ्लिप फ्लॉप के लिए जनरल की बात करूं, नेक्स्ट स्टेट मेरे पास डी ही आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं D1 फ्लिप फ्लॉप की बात करूं, तो D1 फ्लिप फ्लॉप के लिए, ठीक है, तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेट आएगी राजे, वो D1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ, अगर मैं फ्लिप फ्लॉप D1 की बात करूं, ठीक है, फॉर या इसको फ्लिप फ्लॉप ए ले लो, इसको फ्लिप फ्लॉप बी ले लो, ठीक है। तो अगर मैं फॉर फ्लिप फ्लॉप बी की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप बी के लिए आपके पास Q1 का जो नेक्स्ट स्टेट आएगा, दैट इज नथिंग बट D1 आ जाएगा, ठीक है। और D1 के पास क्या आ रहा है राजी, D1 के पास क्यू नॉट ही आ रहा है, ठीक है, विच इज इक्वल टू, बोलो जी, क्यू नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब Q1n+1 दैट इज नथिंग बट क्यू नॉट, ठीक है, एक स्टेट तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब क्यू नॉट के ऊपर क्या पहुंच रहा है आपके पास, ठीक है, वो देखिए क्या होगा, यहां से क्यू नॉट आ गया, ये क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट चला गया, इधर से Q1 है तो यहाँ पे क्या आ गया, Q1, ठीक है, नॉर गेट है तो क्या होगा, Q0+Q1 का कॉम्प्लीमेंट ऐसी बचेगा भाई, तो ये मेरे पास डी नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फोर फ्लिप फ्लॉप अगर ए की बात करूं, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेट होगा दैट इज इक्वल टू डी नॉट, विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है डी नॉट की वैल्यू, Q0+Q1 का कॉम्प्लीमेंट, ओके हुआ, क्लियर है अभी पॉइंट। चलिए दोनों स्टेटमेंट मुझे मिल गई हैं, अब मैं इसका यूज करके बना लूंगा आपका टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेट, ओके है भाई, बिल्कुल ओके है सर। तो MSB किसको बुलाया था आपने, MSB मैंने लिखा था D1 वाली को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखाएंगे Q1, यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q1 का नेक्स्ट स्टेट, यहाँ पे Q0 का नेक्स्ट स्टेट, ओके।
तो इनिशियल स्टेट मान लीजिए 0 0 है, मैंने पहली पल्स दी। जैसे ही मैं पहली पल्स दूंगा, जो Q1 है, Q1 के पास Q1 n plus 1, Q1 तो Q0 के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब Q0 जीरो है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जो मेरे पास नेक्स्ट है Qn plus 1, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो Qn plus 1 है राजे, वो कुछ नहीं है, आपने इन दोनों का और करिए, फिर उसका कंप्लीमेंट कर दिए। देखिए और का मतलब क्या होता है, प्लस मींस नॉर गेट करना है ना, ठीक है, दोनों का नॉर। 0 0 पे नॉर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड पल्स के लिए फर्स्ट का नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा राजे, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है जी। और जो Q1 है नेक्स्ट स्टेट, वो आपका Q0 के इक्वल ही आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में आपने नॉर करना है, ठीक है, 0 1 का नॉर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्लॉक के लिए 1 0 जो आपका सेकंड का नेक्स्ट स्टेट था, इसके लिए प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो Q0 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 0 का नॉर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देख लो भाई, 1 0 का नॉर 0 होता है ना जी, 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब तीसरी पल्स के बाद आपका जो स्टेटमेंट है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 0 0 से स्टार्ट हुआ, पहली क्लॉक पल्स दी तो 0 1 आ गया, सेकंड क्लॉक पल्स दिया तो 1 0 आ जाएगा, तीसरी जैसे ही मैंने पल्स दिया तो कितना हो जाएगा राजे, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं मॉड की बात करूं तो मॉड कितना आ जाएगा राजे, आपका 2 आ जाएगा, ठीक हुआ, बोलो जी, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी क्लॉक पल्स थी राजे, वो पॉजिटिव एज ट्रिगर थी, ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगर, राइट। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको नेगेटिव एज ट्रिगर कर दूं, क्या कोई इफेक्ट होगा, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला मैं लिख रहा हूं भाई, अज्यूमिंग ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर इन रीसेट कंडीशन इनिशियली, मींस आपके पास 0 0 पे खड़ी है, डिटरमाइंड द सीक्वेंस ऑफ काउंट ऑब्टेन्ड एट QA। तो QA के ऊपर भाई आपने बताना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास फ्लिप फ्लॉप है, एक फ्लिप फ्लॉप, ऐसा करता हूं थोड़ा सा नीचे बनाता हूं, पहली फ्लिप फ्लॉप, दूसरी फ्लिप फ्लॉप, ये है मेरे पास तीसरी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। मान लीजिए DA है, ये QA है, ठीक है, इसको हम DB बोल देते हैं, इसको QB बोलेंगे, ये मेरे पास मान लीजिए DC है, ये Q ऑफ C है, ठीक हुआ। और यहाँ पे मैंने क्लॉक जो दिया वो नेगेटिव एज ट्रिगर, जे इसकी पहचान आ रहा जी, ऐसे बबल लगा होता है नेगेटिव एज ट्रिगर से, ठीक है। तो क्लॉक तो आपको एक साथ देना पड़ेगा क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर है, तो ये मेरे पास क्लॉक मैंने एक साथ यहाँ पे दे दिया है, ठीक है जी। और ये आपस में कनेक्टेड कर दिया है मैंने, क्यू ए आप यहां से ले रहे हो, ठीक है। तो ये मेरे पास राजे है क्यू ए, जिसके ऊपर आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। और इसको हम डी ए को हम देखिए कैसे दे रहे हैं, यहाँ पे एक्सनॉर गेट लगा रहे हैं भाई, ठीक है। तो एक तो यहां पे दिया, दूसरा आपका क्यू सी से आया, ऐसे लगाया, ठीक है, ऐसे दी हुई है भाई आपके पास वैल्यूज, राइट। चलिए तो ये मेरे पास भाई ऐसा सर्किट गिवन है, ठीक है। अगर नोट करके पॉइंट डालना है तो डाल सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पे बबल लगा के आपने नेगेटिव एज ट्रिगर लगा दिया ना, तो नोट करके पॉइंट लिखिए, इन सिंक्रोनस काउंटर क्लॉक पल्स डज नॉट इफेक्ट द ऑपरेशन, क्लॉक पल्स डज नॉट इफेक्ट इट्स ऑपरेशन, whether it is positive as triggered, whether it is positive as triggered or negative as triggered, right? चलिए
तो अगर मैं सबसे पहले देखूं DA के पास क्या पहुंच रहा है जी, यहाँ पे है QB और यहाँ पे क्या है QC, ठीक है बोलो जी। तो इसका क्या करेगा जी, एग्जनोर करेगा, ठीक है। एग्जनोर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मिलेगा QBN डॉट एग्जनोर QCN, ठीक है। तो ये DA के पास पहुंचेगा, ठीक है जी। चलिए, तो अगर मैं डी आपके पास फ्लिप फ्लॉप जी ए है बी और सी है ना, तो ए की अगर मैं नेक्स्ट स्टेट की बात करूं QAN+1, ठीक है, वो क्या होगी राजे जल्दी से बताओ, दैट इज इक्वल टू डी ए होगी, और डी ए के ऊपर क्या आ रहा है भाई, डीवीएन की डीवीएन डीवीएन बोलेंगे क्यू QBN XNOR QAN, ठीक है। तो ये A के ऊपर आ गया, तो QV क्या N+1 जो है मेरे पास, दैट इज नथिंग बट QB, तो QB का जो N+1 है राजे वो DB होगा राजे, बोलो DB होगा, और DB के ऊपर क्या आ रहा है, QA आ रहा है ना, तो यहाँ पे सिंपल QA आ जाएगा, QBN+1, तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ QA आ जाएगा, ठीक है। तो ये QAN+1 निकाल लिया आपने, ये QB की नेक्स्ट स्टेट निकाल ली, ऐसे QCN+1 जो होगा मेरे पास वो क्या होगा जल्दी से बताओ, DC होगा, और DC के ऊपर क्या आ रहा है राजे जल्दी से बताओ, QB आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, QBN, ठीक है, QCN+1, ठीक हुआ। चलिए, तो अगर मैं टेबल की बात करूं तो टेबल देखें फिर यहाँ पे क्या होगा राजे, बिल्कुल सर, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस स्टेट, यहाँ बोलोगे प्रेजेंट स्टेट, और यहाँ पे हम लगा देंगे नेक्स्ट डेट, तो MSV किसको मानोगे भाई, मान लीजिए जे मेरे पास MSV है, जे मान लीजिए LSV है, ठीक है जी, ओके हो जाएगा भाई, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, हाँ जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्लॉक पल्स जिसके साथ होगा वो आपका MSV होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन, जैसे ये क्लॉक है ना, तो क्लॉक जिसको फर्स्ट मिल रहा है यहाँ से, वो आपके पास MSV होगा, ठीक है जी। चलिए, तो जिस साइड आपके पास ये क्लॉक बना होगा वो आपका MSV होगा, ठीक है, ये क्लॉक के साथ आपका MSV जुड़ा होगा, राइट। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, QA, QB और QC, ठीक है। यहाँ पे QA का नेक्स्ट स्टेट, देन QB का नेक्स्ट स्टेट, देन QC का नेक्स्ट स्टेट। सबसे पहले ये फॉर्मूले लिख लेने हैं, फिर जस्ट उसी फॉर्मूले का हेल्प करके आपके पास की इनिशियल स्टेट मान के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इनिशियल स्टेट आपके पास क्या गिवन है राजी, इनिशियली रीसेट कंडीशन में है ना, इनिशियली रीसेट कंडीशन है, मीन 0-0 है, ठीक है जी, ओके है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पल्स दिया, जैसे ही फर्स्ट पल्स दिया उस केस में मेरे पास जो QB है वो QA के इक्वल होगा, QB की जो नेक्स्ट स्टेट है वो A, QA कितना है 0, QC QB है वो भी क्या है 0, लेकिन जो QA है राजे वो आपके B और C का होगा राजे, हाँ B और C का, CN, B और C का क्या करना है आपने, बोलो जी एग्जनोर करना है, ठीक है। B और C 0-0 है, और 0-0 का एग्जनोर कितना होता है 1, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो अब जैसे ही मेरी नेक्स्ट स्टेट सॉरी सेकंड पल्स आएगी राजे, सेकंड पल्स के लिए जो फर्स्ट का नेक्स्ट स्टेट है वो इसके लिए प्रेजेंट हो जाएगा, मींस 1-0-0 हो जाएगा, और जो QB है वो QA के इक्वल है, और जो QC है QB के इक्वल है, ठीक है। तो QA आपके पास 1 थी, QB 0 थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जो QA है वो B और C का क्या राजे, बोलो एग्जनोर है, ठीक है, एग्जनोर है, तो 0-0 का एग्जनोर 1 होता है, ठीक है। जैसे ही थर्ड पल्स दूंगा तो सेकंड पल्स का नेक्स्ट स्टेट इसके लिए प्रेजेंट हो जाएगा, राइट, ओके हुआ। तो जो QB है दैट इज QA, और जो QC है दैट इज इक्वल टू QB, ठीक है। और जो आपके पास
क्यू सी है राजे, दैट इज 10 है, 10 पे इग्नोर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने थर्ड फोर्थ पल्स दिया तो इसकी प्रेजेंट स्टेट क्या हो जाएगी, 011, ठीक है। तो क्यू बी दैट इज क्यू ए, क्यू सी दैट इज क्यू बी, ठीक है। और 11 का इग्नोर क्या होता है, 1, बोलो जी, बिल्कुल सर 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फिफ्थ पल्स के लिए प्रेजेंट स्टेट क्या हो जाएगा, 101, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, क्यू बी दैट इज क्यू ए, क्यू सी दैट इज क्यू बी, ठीक है। फिर ये 01 का इग्नोर 0 होता है, ठीक है। फिर मैंने सिक्स पल्स दिया तो प्रेजेंट स्टेट क्या हो जाएगा, 010, हाँ जी। तो सबसे पहले क्यू बी दैट इज क्यू ए, क्यू सी दैट इज क्यू बी, ठीक है, और इन दोनों का इग्नोर 0। ऐसे ही मैंने सेवंथ पल्स दिया तो प्रेजेंट स्टेट बन गया 001, ठीक है। तो क्यू बी क्यू ए क्यू सी 0 और 01 का इग्नोर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से चले थे, अब फिर मेरे पास 0 आ गया है, ठीक है जी। तो इसका अगर मैं मॉड की बात करूं तो मॉड आपके पास कितना आ जाएगा राजी, 7 पल्स के बाद आ रहा है, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा राजी इस क्वेश्चन के लिए, मॉड दैट इज इक्वल टू 7। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपकी जो क्यू ए है उसकी स्टेट क्या रहेगी राजे, तो उसकी स्टेट आपके पास ये रही, ठीक है, ये जो आपके पास आ गया दैट इज 110100, ठीक है। फिर इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ पल्स इज लाइक दैट। क्लियर है भाई पॉइंट, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और इसके देखते हैं, फिर इस टॉपिक को करते हैं क्लोज, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ, चलो मैं लिखता हूं फिर आप एक साथ इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक पल्स दैट इज अप्लाइड एट मोर 10 कंट्रीज 50 मेगाहर्ट्ज़ देन डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल इज, तो आपकी जो आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी राजे, इसको नोट करके पॉइंट डाल लीजिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट ऑफ एन मोड इज, मान लीजिए अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी राजे, एफ वाई एन हो जाएगी, ठीक है। जैसे मोड 10 की जो फ्रीक्वेंसी आपके पास है क्लॉक पल्स की, ये क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्लॉक पल्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लॉक पल्स का टाइम आपको गिवन होगा, उस टाइम का आप रेसिप्रोकल करिए, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए तो आपने मॉड के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो मेरी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय मॉड कितना राजी, 10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। If mod 3 counters cascaded to mod 4 counter, तो दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड है राजी, तो ओवरऑल मॉड आपने पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए भी नोट डाल लीजिए भाई, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। If two counter with mod m and n are connected in cascaded, then overall mod is m cross n, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो आपका ओवरऑल मॉड होगा राजे, दैट इज 4 × 3, दैट इज 12 मॉड, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन भाई आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर हुई भाई बात, समझ में आए सभी पॉइंट्स। तो जे भाई आपके पास सिंक्रोनस काउंटर जिसके ऊपर क्लॉक अगर सेम अप्लाइड हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऐसे आपने सॉल्व करना है क्वेश्चंस, राइट। तो एमएसबी एलएसबी आपके क्वेश्चन के पास आपको गिवन होगी, ठीक है, और इनिशियल स्टेट आपके पास गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग फर्दर आपने इसकी नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप हो सकती है,
डी फ्लिप फ्लॉप हो सकती है, हो सकता है टी फ्लिप फ्लॉप हो गई, ठीक है। तो सभी टाइप की आपकी फ्लिप फ्लॉप की आपको नेक्स्ट स्टेट का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। तो आई होप आपको सिंक्रोनस काउंटर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजे एसिंक्रोनस काउंटर, ओके। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।